हरे कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भगवान की भक्ति की, और भक्ति से हमारे शास्त्र में क्या क्या लिखा हुआ है और उसके कारण हमें किस तरह से भक्ति करना चाहिए। देखिए, हम जब तक जानेंगे नहीं हमारे शास्त्र में क्या क्या लिखा है और हमारे पूर्वजों ने हमें क्या दे गए हैं, जब तक हमें भगवान के बारे में, उनकी लोक के बारे में, उनकी ब्रह्मांड के बारे में ये सब हमें पता नहीं होगा, तो हम भगवान की रचना को जान कैसे पाएंगे। और भगवान ने इतनी सुंदर ब्रह्मांड बनाया है, इतनी सुंदर जीव जगत बनाया है, इतनी सुंदर विभिन्न लोकों को बनाया है, तो उसके बारे में हम कैसे जान पाएंगे। इसीलिए हमें शास्त्र के अनुसार ये सब चीज़ों को जानना चाहिए, और जब हम शास्त्रों के अनुसार ये सब चीज़ों को जान जाएंगे तो हमें भी पता लगेगा कि हम जो है क्या करने से कौन सी लोक में हमें स्थान मिलता है, और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस कारण हमें कष्ट मिलता है, ये सब हम जान पाएंगे। तो आपको मैं विभिन्न लोकों के बारे में बताऊंगा। देखिए, हमारा जो ये 14 भुवन है और ये सब विभिन्न लोक है, वहाँ पे हमारा स्थान कैसे बनता है और क्यों बनता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हम जानते हैं केवल भूलोक के बारे में, ये जो मृत्यु लोक है यहाँ हम आते हैं और अपना जीवन जीते हैं, फिर यहाँ हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, फिर दोबारा जीवन जीते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो मृत्यु लोक में हमारा आवागमन है ये कब तक चलता रहता है, निरंतर बहुत कालों तक चलता रहता है। लेकिन अगर हम शास्त्रों में लिखा भगवान के बारे में, भगवान की रचना के बारे में ये सब जान जाएंगे, तो हम कुछ ऐसे कार्य करेंगे कि हम इस जन्म मृत्यु की चक्र से निकल जाए। और जब हम इस चक्र से निकल जाएंगे तो हमारा स्थान किसी और लोक में होगा। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कौन सा कार्य करना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारा कर्म कि हम जो है अपने से उच्च लोकों में जा पाएंगे। देखिए, हमारे ऊपर भी 6 लोग हैं और नीचे भी 7 लोग हैं, तो 14 भुवन जो है उसमें हमारा कौन सा स्थान होना चाहिए। देखिए, हम अगर भक्ति करते हैं तो हमारे स्थान कहाँ होना चाहिए, किसे भक्ति करना चाहिए। और देखिए, जो भूतों का ये करता है, जो भूतों का ध्यान करता है, पूजा करता है, वो भूतों के लोक को प्राप्त होता है। ऐसे ही जो पितरों का बहुत ज़्यादा मानता है और पितरों का ही पूजा करता है, वो पितृलोक को जाता है। जो दूसरे देवताओं का पूजा करता है वो स्वर्गलोक में जाता है। जो भगवान ब्रह्मा की पूजा करता है वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। जो हमारे राम लक्ष्मण सीता राम दरबार की पूजा करता है वो साकेत धाम में जाते हैं। और जो हमारे मोहन बंसीधारी राधा कृष्ण की पूजा करते हैं वो गोलोक धाम में जाते हैं। जो हमारे शंकर जी की पूजा करते हैं वो कैलाश धाम को प्राप्त होते हैं। देखिए, इतने सारे धाम हैं, इतने सारे लोक हैं, हमें पता होना चाहिए। अगर हम अपने ही जगत को नहीं जान पाएंगे तो अपना स्थान कैसे निर्धारण करेंगे, है ना। अपनी स्थान निर्धारित करने के लिए हमें ये सब जानना चाहिए। तो आपको मैं एक एक लोक का वर्णन बताऊंगी, आप सुनते रहना। पहला है स्वर्गलोक। क्यों स्वर्गलोक कह रही हूँ, क्योंकि हम भूलोक में हैं और हमारे तुरंत ऊपर जो है वो है पितृलोक। और पितृलोक में कौन होते हैं, हमारे पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्व पुरुष होते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और उनका अगर जन्म नहीं हुआ है, थोड़े दिन के लिए अगर वो पितृलोक में स्थित है, तो वो क्या होता है, जो भी इस भूलोक से अपने शरीर त्याग करके जाता है वो पितृलोक में पहुंचता है। तो वो जो है एकदम से हमारे जो पृथ्वी है, भूलोक है, मृत्यु लोक है, इसके ऊपर वाला लोक है। और उससे ऊपर है स्वर्गलोक। अब स्वर्गलोक, देखिए, ज़्यादातर लोगों की यही इच्छा होती है कि हम स्वर्गलोक में जाएं। क्यों, क्यों है वो स्वर्गलोक, क्यों जाना चाहते हैं हर कोई स्वर्गलोक में? क्योंकि जो थोड़े बहुत सुने होते हैं कि स्वर्ग के बारे में, उनको लगता है कि ये भूलोक से जो है स्वर्गलोक अच्छा है। स्वर्गलोक जो है भोग विलास के लिए
अत्यंत ही उत्तम स्तर है। स्वर्ग लोक जो है, स्वर्ग लोक में भोग विलास और ऐश्वर्य होता है। स्वर्ग लोक में विहार करने के लिए नंदन कानन होता है, एक ऐसा मनोरम वन होता है नंदन कानन, जहाँ पे विहार करके लोगों को आनंद आता है। अप्सराएं होती है, सोमरस होता है, भोग विलास होता है, ऐश्वर्य होता है। स्वर्ग लोक इसीलिए सबको बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे मृत्यु नहीं है, वहाँ पे बीमारी नहीं है, वहाँ पे रोग नहीं होता है, वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए सब कोई चाहता है कि मुझे स्वर्ग का सुख भोगना है। जैसे वहाँ का फर्श है, वहाँ पन्ने से निर्मित है, वहाँ की दीवार है वो मूंगे से निर्मित है, वहाँ की छत है वो रूबी, स्फटिक, मणि, बैडूर्य मणि, इस तरह की चीज़ों से वहाँ का जो दीवारें है बने होते हैं, घर बने होते हैं, तो रहने का आवास जो है बहुत ही सुंदर होता है। और वहाँ पे बहुत सुंदर झील होते हैं, बहुत सुंदर चिड़िया होते हैं जो हमेशा ही चहचहाते रहते हैं। धरती से स्वर्ग लोग जो है हजारों गुना अधिक सुंदर है। प्रत्येक निवासी का जो व्यक्तित्व तो है वो गारिमा युक्त होता है। भागवत श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में दिया गया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र, उनका जो स्वर्ग है वो बहुत ही मनभावन है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मीठे फल और सुगंधित पुष्प से भरे हुए हैं। बगीचा, उद्यान और नंदन कानन है। इन उद्यानों में चहकते हैं पक्षियाँ और सुंदर सुंदर नारियाँ। कमल कल की हंसों की जोड़ियाँ होती है, सारसों और चक्रवकों तथा बतकों के भरे हुए होते हैं, बतकों से भरे हुए होते हैं। यह पूरी आकाशगंगा नाम का जल के पूर्ण खाइया द्वारा खाइया होते हैं। अग्नि की जैसे दिखाई देने वाले एक अत्यंत ऊंची दीवार से घेरे हुए होते हैं। पूरी नगरी के निर्माण विश्वकर्मा जी करे हैं। आंगन, चौराहे, सभा भवन सब इतने मनमोहक होते हैं। चौराहे हीरे मोती और मूंगों से बने हुए होते हैं। नित्य सुंदर तरुण स्त्रियां स्वच्छ वस्त्र पहन के वहाँ विचरण करते रहते हैं, जिनकी शरीर से आभा निकलती है। मोरों और कबूतरों की चहचहाहट रहती है। ये नगरी शंख, मृदंग, बांसुरी और तार वाले सुरीली वाद्य यंत्रों के सुर से सुशोभित होता है, सुंदर ध्वनि से भरे हुए होता है। निरंतर नृत्य चलता रहता है, गंधर्वगण गीत गाते रहते हैं, आवश्यकता से अधिक विमाने होते हैं। इंद्रपुरी की संपूर्ण सुंदरता स्वयं सुंदरता को जीत जाता है। पापी, ईर्ष्यालु, अन्य जीवों के प्रति उग्र, चालाक, मिथ्यावादी, अभिमानी और कामी लोग इस लोक में प्रवेश ही नहीं कर पाते हैं। जिसके पुण्य होते हैं वही इसी लोक में प्रवेश कर पाते हैं। देखिए भगवद गीता में लिखा है, जब पुण्य क्षण हो जाता है जीव का, देखिए आपने बहुत सारे पुण्य किया है अभी मृत्यु लोक में, और जब आप मृत्यु लोक से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इस भूलोक से मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आपको स्वर्ग प्राप्ति होता है, क्योंकि वहाँ पे आपने पुण्य किया हुआ है और उस पुण्य को भोगने के लिए जाते हो, और उसी पुण्य को भोगने के लिए जो है आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है, और स्वर्ग में आप जो है भोग विलास को बहुत ज़्यादा ज़्यादा प्राप्त कर पाते हो, बहुत ज़्यादा ज़्यादा भोग कर पाते हो। लेकिन जब आपका पुण्य क्षीण हो जाता है तो उस समय फिर आपको दोबारा इसी मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जैसे जैसे किसी जीव का पुण्य क्षीण होने लगता है फिर वो दोबारा मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। अर्थात जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है वो स्वर्ग लोक से दोबारा मृत्यु लोक को प्राप्त होता है, जबकि स्वर्ग लोक उच्च लोक है। इसका अर्थ ये है कि आप अगर पुण्य करते हो फिर आप उस पुण्य को भोगने स्वर्ग भी जाते हो,
कहने का मतलब है इस लोक से उच्च लोक में भी जाते हो, तब भी अगर आपका पुण्य क्षीण हो जाता है जब आप सारा कुछ भोग लेते हो, आपको दोबारा इस भूलोक में, इस मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। स्वर्ग जैसे लोगों में भी कोई सदा के लिए नहीं रह सकता। मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि कोई कितना भी विषय भोग कर ले, उसका भोग करने की इच्छा कभी भी अंत नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जैसे कि आग में आप घी डालते रहो तो आग कभी भी बुझता नहीं है, ऐसे ही आप विषय को जितना भी भोग लो, आपका भोग करने का जो इच्छा है वो खत्म नहीं होता है। जैसे किसी अपराधी को बंदी गृह के सलाखों के पीछे रखा जाता है, ऐसे ही जो भोगी इंसान है, जो कामी इंसान है, उसको काम मोह में भगवान जो है सजा देने के लिए बांध के रखते हैं। और इस बात को समझना चाहिए कि जो विषय भोग है वो कभी भी अच्छा नहीं है। विषय भोग के कारण ही हमें दुख मिलता है। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर अगर जीवन जीना है तो समझ लेना कि इस भौतिक लोक पर अपने जीवन का बंधन जो है उसको बढ़ाना है, तो इसीलिए इंद्रिय तृप्ति से दूर होना ज़्यादा अच्छा है। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, ना कि विषयों की। और जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं उनको कहा जाता है अज्ञान। देखिए, जब ज्ञान नहीं है तभी तो आप गलत चीज़ के पीछे भागोगे। अगर आपको एक बार ज्ञान हो जाता है, अगर आप समझ जाते हो कि ये सब बहुत ही क्षणिक है और चिरंतन नहीं है और इसके कारण मैं दुख भोग रहा हूँ, तो आप उसके पीछे नहीं जाओगे। फिर आप इस स्वर्ग लोक की भी कामना नहीं करोगे। स्वर्ग, नर्क और भूलोक, इसकी आवागमन से जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है बना ही रहता है, इसमें से निकलना असंभव है। श्रीमद् भागवतम में जैसे वर्णित है कि असली सुख जो है भगवान की चरण में और उनकी गोलोक धाम में, उनकी नाम में और उनकी प्रेम में है। तो श्री कृष्ण की प्रेम और उनकी गोलोक धाम की प्राप्ति ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। अगली बार हम आपको बताएंगे कि महलोक के बारे में, जो कि स्वर्ग लोक के ऊपर वाली लोक है। तो बने रहिए हमारे साथ। हरे कृष्ण।